प्रतीक ने करण पर लगाया बड़ा इल्जाम। करण के सपोर्ट में आई तेजस्वी। क्या है पूरी अपडेट, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों घर में पहुंचे थे आरजेस, जहां पर आरजेस ने घर वालों से की तीखे सवाल, तो वहीं घर वालों के साथ मस्ती मजाक भी जमकर की आरजेस ने। वहीं हम आपको बता दें कि आरजेस ने प्रतीक से सवाल जवाब भी किए, जहां उन्होंने करण और प्रतीक की दोस्ती को लेकर सवाल किए। यहां पर हम आपको बता दें कि आरजेस ने पूछा प्रतीक से कि करण जो है उन्हें लगता है कि वो आपके साथ जो है टफ फील करते हैं, तो क्या आप भी उनके साथ टफ फील करते हो या लव फील करते हो। जहां पर प्रतीक कहते हुए नजर आते हैं कि मैं भी उनके साथ टफ ही फील करता हूं, लव तो कभी मुझे महसूस ही नहीं हुआ। उसके बाद जो है प्रतीक करण पर संगीन आरोप लगाते हुए कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूं कि उन्होंने मुझे बार बार दबाने की कोशिश की, लेकिन मैं कभी दबा नहीं। जहां पर हम आपको बता दें कि प्रतीक की बात सुन करण काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, तो वहीं तेजस्वी का पारा चढ़ जाता है और तेजस्वी जो है अपने बॉयफ्रेंड करण के सपोर्ट में आ जाती है और प्रतीक से कहती है कि तुम्हें करण ने कब दबाने की कोशिश की। और इसी दौरान जो है कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच फाइट भी देखने को मिलती है। अब हम आपको बता दें दोस्तों कि घर में जो है प्रतीक और करण के बीच जो है रिश्ते ठीक नहीं हैं, इन दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं। वहीं एक तरफ करण को जो है प्रतीक के साथ कभी भी घर में नहीं देखा गया एक साथ, तो वहीं प्रतीक भी करण के साथ घर में नहीं देखे गए एक साथ। वेल, आपको क्या लगता है कि प्रतीक ने जो करण पर आरोप लगाए हैं क्या वो सही हैं? क्या वाकई में करण प्रतीक को दबाने की कोशिश करते हैं? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और बिग बॉस 15 से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।